नमस्कार, जय हिंद। भारत तक नए रंग रूप में देख रहे हैं आप। बात करेंगे एलओसी पर हो रही गतिविधियों की। एलओसी पर सुरक्षा बलों की चौकसी से पाकिस्तान और उसके तमाम जो सहयोगी आतंकी संगठन हैं वो खासे परेशान हैं। लेकिन हमारे संवाददाता जितेंद्र बहादुर ने जो रिपोर्ट भेजी है वो काफी चौंकाने वाली है, क्योंकि कई बड़े खुलासे हुए हैं इस रिपोर्ट के अंदर। दरअसल खबर आई है कि पाकिस्तान कई दूसरे तरीके से आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए, भारत में आतंकियों की घुसपैठ कराने के लिए उसने नए नए फॉर्मूले, उसने नए नए तरीके जो हैं वो इजाद किए हैं। इसके लिए वो नेवी के रिटायर्ड ऑफिसर्स तक की मदद ले रहा है। जी, पाकिस्तान में नेवी के रिटायर्ड ऑफिसर्स आतंकियों को ट्रेनिंग दे रहे हैं ताकि वो भारत में नए नए आतंकी मॉड्यूल के साथ घुसपैठ कर सकें। और इस वीडियो में इस पूरे मॉड्यूल के बारे में हम आपको विस्तार से बताने जा रहे हैं। खुफिया एजेंसियों ने इस बात को लेकर एक बड़ा अलर्ट जारी किया है सुरक्षा बलों को। उसमें कहा गया है कि कृष्णा घाटी, पुंछ सेक्टर, नौगांव सेक्टर के साथ साथ इंटरनेशनल बॉर्डर से सटे इलाकों से आतंकी पानी के रास्ते घुसपैठ करने की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें वो गोताखोर की तरह ट्यूब और दूसरे तरीके का इस्तेमाल करके पानी के रास्ते जम्मू कश्मीर में दाखिल हो सकते हैं। जम्मू कश्मीर में हिंटरलैंड पर बड़े आतंकी हमले करने में नाकाम रहा जैश और लश्कर पानी के रास्ते घुसपैठ कर बड़े सुरक्षा प्रतिष्ठानों पर हमला कराने की फिराक में है। इसके लिए आतंकियों की नई ब्रिगेड तक तैयार की गई है। सूत्र क्या कहते हैं आगे, यह भी जानिए। पीओके में आर्टिफिशियल वाटर ट्रेनिंग कैंप लगाए गए हैं, जिसमें आतंकियों की एक बड़ी फौज को पाक नेवी के रिटायर्ड ऑफिसर पानी के रास्ते घुसपैठ की ट्रेनिंग दे रहे हैं। सूत्र कहते हैं कि 3 दर्जन से ज्यादा लश्कर और जैश के आतंकियों को स्विमिंग और डीप डाइविंग की ट्रेनिंग दी गई है। सूत्र के मुताबिक इस बार पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने जम्मू कश्मीर और दूसरे जगहों पर आतंकियों के वाटर विंग को इस्तेमाल कर बड़ा हमले करने के लिए प्लान तैयार किया है। पाकिस्तान के सवाई नाला के नजदीक आतंकियों के वाटर विंग को ट्रेनिंग दी गई है। पीओके में मुजफ्फराबाद सवाई नाला के नजदीक एक ट्रेनिंग कैंप में लश्कर जैश के आतंकियों को स्विमिंग और ज्यादा देर तक ट्यूब का इस्तेमाल कर पानी में सर्वाइवल की ट्रेनिंग दी जा रही है। ये जानकारी दी गई है कि 3 दर्जन से ज्यादा टॉप जिहादी को भर्ती करने के लिए आतंकी कमांडरों और आईएसआई ने सैकड़ों आतंकी रंगरूटों को पहले चयन किया था, उसके बाद उसमें से 3 दर्जन से ज्यादा आतंकियों का ब्रेन वॉश कर उन्हें स्विमिंग और डाइविंग यानी पानी के अंदर गोताखोर के तरीके की ट्रेनिंग दी गई। बताया जा रहा है कि इस वक्त लॉन्च पैड पर 250 से ज्यादा आतंकी मौजूद हैं और इन आतंकियों में से काफी ऐसे आतंकी शामिल हैं जिनको सर्वाइवल करने के लिए और डीप डाइविंग स्विमिंग के लिए जो है वो ट्रेनिंग दी गई है, और इनको इस तरीके से ट्रेन किया गया है जो घंटों और कई किलोमीटर तक पानी के अंदर तैर करके घुसपैठ कर सकें। लेकिन हम इस बात को लेकर जरूर आश्वस्त हैं कि भारत की जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, जो सुरक्षा बल हैं, वो काफी चौकस हैं, वो निगरानी कर रहे हैं, और ऐसा कोई भी आतंकी अगर घुसपैठ करके आता है, जैसे कि भारतीय सेना, भारतीय सुरक्षा बल लगातार अपने कमिटमेंट को दोहराते रहते हैं कि घुसपैठ करोगे तो फिर नतीजा उसका एक ही है कि आपको गोली मिलेगी। देखते रहिए भारत तक।